हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। एक बार दोबारा स्वागत है मेरे चैनल में टेक्निकल टैगर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक आईफोन 6s के बारे में। आज मैं आपको बताऊँगा आईफोन 6s जो होते हैं वो ब्लास्ट क्यों होते हैं। हाँ दोस्तों, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा भी आईफोन 6s था, वो अपने आप रखे रखे ब्लास्ट हो गया। अब वो ब्लास्ट क्यों हुआ, इसका क्या रीज़न था, तो वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो स्किप मत करना, वरना आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। अगर आप एक आईफोन यूज़र हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, मेरे पास ये आईफोन का बॉक्स है। हाँ दोस्तों, ये देखो, मैंने आईफोन 6s मंगाया था। ये ज़्यादा पुराना नहीं है। मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ से इसको ओपन कर लिया। ये इसका कवर है। और दोस्तों ये देखो, और ये रहा इसके अंदर आईफोन। आप ध्यान से देखना, मैं ऐसे आईफोन निकाल लेता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये इसका कवर है और ये इसके बिल बिल सब कुछ इसके अंदर। मैं आपको इसका बिल भी दिखा देता हूँ। ये इसका बिल है, आप लोग ध्यान से देख रहे हो। ये देखो, मैं इसको रख दूँ साइड में। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। ये देखो दोस्तों, और दोस्तों इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है। तो हम इसको यहाँ नीचे रख देते हैं। अब दोस्तों, ये मेरा जो आईफोन है, ये देखो, एकदम बढ़िया कंडीशन में था, एकदम न्यू था, कोई दिक्कत नहीं थी इसके अंदर। मैंने ये कुछ दिन पहले ही लिया था। और दोस्तों, ये रखे रखे जो है फट गया अपने आप। हाँ दोस्तों, रखे रखे ये ब्लास्ट हो गया। अब ये ब्लास्ट क्यों हुआ, इसका क्या रीज़न था, मैं आपको ये बताता हूँ। दोस्तों, मैंने ये फ़ोन कुछ दिन पहले इसके अंदर एक बैटरी डलवाई थी। हाँ दोस्तों, वो बैटरी ये रही जो मैंने अपने फ़ोन के अंदर इसमें डलवाई थी। ये बैटरी थी आईफोन 6s की। अब ये क्या हुआ, इसके अंदर मैंने इसको पैक करके रख दिया। इसकी चार्जिंग जो थी वो ख़राब हो गई थी यहाँ से। तो मैंने क्या करा, मैंने पैकेट मतलब बॉक्स के अंदर वापस इसको पैक करके मतलब अलमारी के अंदर रख दिया। तो दोस्तों, मैंने एक दो महीने बाद देखा तो ये अपने आप खुल चुका था पूरा। मतलब दोस्तों, फटने की आवाज़ आई थी काफ़ी तेज़, लेकिन नुकसान कुछ नहीं हुआ था। ये अपने आप खुल गया, मतलब इसकी जो बैटरी थी वो फूल गई और ये ब्लास्ट हो गया। दोस्तों, ये देखो, मैं आपको इसके अंदर का दिखाता हूँ, इसके अंदर क्या होता है और इसका क्या है। इसके अंदर कुछ नहीं होता। ये देखो दोस्तों, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। ये पूरा खुला हुआ है। ये देखो, ये दोस्तों, इसके दो टुकड़े हो रखे हैं। ये मेरा आईफोन 6s था, पूरा फट गया दोस्तों। दोस्तों, अगर आप लोग एक आईफोन यूज़र हैं, आईफोन यूज़र का मैं आपको एंड्रॉयड वालों के लिए भी बता रहा हूँ, अगर आप लोग अपने फ़ोन की बैटरी वगैरह कहीं डलाते हो तो दोस्तों ध्यान से डलाया करो। और सबसे बड़ी बात, आप कभी इसको पैक करके मत रखना। इसकी बैटरी जो होती है फूल जाती है और वो अपना ब्लास्ट हो जाती है इस तरीके से। मेरा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। देखो, ये अपना ब्लास्ट होकर रखे रखे, ये मेरा आईफोन 6s था। आप पास से देख लो उसके। दो दो स्क्रीन ये रही, इसका बॉक्स बॉक्स दोस्तों काफ़ी बढ़िया कंडीशन थी इसकी। ये देखो दो, तो अगर आप लोग आईफोन यूज़ करते हो तो सोच समझ कर यूज़ किया करो अच्छी तरीके से। दोस्तों, इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है इन फ़ोनों की। तो दोस्तों, मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। अगर आप लोग आईफोन लेके आते हो तो उसको कभी पैक करके अलमारी वगैरह बेड के अंदर मत रखना, वरना वो गर्मी के वजह से उसकी बैटरी फूल जाती है और वो ब्लास्ट हो जाता है, नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, मेरी जो अलमारी थी वो खाली थी, उसके अंदर कुछ नहीं था, वरना कुछ चीज़ होती दोस्तों काफ़ी नुकसान हो जाता मेरा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि काफ़ी लोगों को नुकसान ना हो, और वीडियो को लाइक कमेंट्स ज़रूर करना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतनी। अगली वीडियो मिलते हैं, मैं इसी तरह आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।